hello students welcome to the english learning corner today we are going to read the story gulliver in lilliput part 1 written by jonathan swift so what is the meaning of gulliver in lilliput gulliver is the name of a person and lilliput is the name of an island a country now let us read the introduction about the writer jonathan swift Jonathan Swift was born in 1667 in Dublin, Ireland, and was died in 1745. He wrote about politics, literature, and human society. Gulliver's Travels, 1726, Swift's masterpiece, is commonly considered a children's story. Let us read the overview of the story. गुल्लीवर द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश शिप गेट्स शिप रेक्ट इन द अटलांटिक एंड इज थ्रोन अप ऑन द आईलैंड ऑफ लिलीपुट इन्ेबिटेड बाय द रेस ऑफ लिटिल पीपल नॉट मोर देन सिक्स इंच टॉल रैक्ट मीन्स रूंट यानी तबाह हो जाना गुल्लीवर जो एक इंग्लिश शिप का कैप्टन था उसका शिप जैसे ही अटलांटिक ओशन में पहुंचा एटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा ओशन है वहां पहुंचते ही उसका शिप रैक्ट हो जाता है तबाह हो जाता है गुल्लीवार किसी तरीके से बच के लिली नाम के आइलैंड पर पहुंचता है और उस आइलैंड पर छोटे छोटे लोग रहते हैं जिनकी हाइट छः इंच से ज़्यादा नहीं है ही इज टाइड अप एंड मेड प्रिजनर बाय द लिली बट लेटर दे कम टू टस्ट हिम एंड सेट हिम फ्री छोटे छोटे लिलीपुटियन पुटियन गुल्लीवार को बांध देते हैं और बाद में उसके ऊपर भरोसा करते हैं और गुल्लीवार को फ्री कर देते हैं आज़ाद कर देते हैं छोड़ देते हैं लेट आस रीड द स्टोरी वन मॉर्निंग टू वीक्स आफ्टर आई हैड ओबेंड माई फ्रीडम रेलड्रेसल द चीफ सेक्रेटरी फॉर प्राइवेट अफेयर्स केम टू माई हाउस अटेंडिड ओनली बाई वन सर्वेंट इस स्टोरी में गुलीवर खूब नरेटर हैं स्टोरी के तो गुलीवर कहते हैं कि एक सुबह दो हफ्तों के बाद जब मुझे आज़ादी मिली रेलड्रेसल जो प्राइवेट अफेयर्स का चीफ सेक्रेटरी था वो मेरे घर पर मेरे से मिलने के लिए आया उसके साथ एक सर्वेंट भी था ही वॉन्टिड टू हैव अ प्राइवेट कन्वर्सेशन विद मी बिकॉज ही हैड बीन सेंट बाय द एम्प्रेर टू डिस्कस विद मी सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट कन्वर्सेशन मीन्स डिस्कशन एम्प्रियर मीन्स रूलर ऑफ एन एम्पायर तो वो मेरे साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन करना चाहता था प्राइवेट बातचीत करना चाहता था क्योंकि उसको लिली एम्पायर के एम्पर ने मेरे साथ उस स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए भेजा था आई रिसिव हिम विद ऑनर एंड ऑफर्ड टू लाइट ऑन सो दैट ही कुड कॉन्वीनियंटली स्पीक टू मी बट ही प्रेफर टू लेट मी होल्ड हिम इन माई हैंड डिंग आवर कन्वर्सेशन ऑनर मीन्स रिस्पेक्ट कॉन्वीनियंटली मीन्स ईजिली तो गुल्लीवर कहते हैं कि मैंने उसको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उसका वेलकम किया ताकि वो बड़ी इजली तरीके से आराम से मेरे साथ बातचीत कर सके लेकिन वो बहुत छोटा था मैं बहुत बड़ा था मेरी और उसके आमने सामने बातचीत नहीं हो जाती थी और उसने गुल्लीवर को ये कहा कि मुझे तुम अपने हाथ के ऊपर उठाओ फिर हम आपस में बातचीत करते ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई फ्रीडम एंड एडिट दैट आई हैड ओबेंड इट्स सो सोन पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ द मैनी डिफिकल्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स दैट फेस्ड द स्टेट जस्ट देन तो गुल्ली कहते हैं कि रेल ने सबसे पहले मुझे मेरी आज़ादी के लिए मुबारकबाद दी और उसने बताया मेरे को कि ये आज़ादी मुझे इसलिए मिली है क्योंकि लिलीपुट स्टेट इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम से सफ़र हो रही है बहुत सी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम फेस कर रही है इट वॉज थाट दैट इफ आई वॉज रिलीज आई माइट बी अफ हेल्प टू द स्टेट इन सॉल्विंग दैम और मुझे ये सोच के छोड़ा गया था कि उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने में मैं उनकी मदद करूँगा जैसे हम पढ़ चुके हैं ओवरव्यू में कि गुल्लीवर जैसे ही लिलीपुट में पहुँचा वहाँ लोगों ने बांध लिया था उसको तो एक ही कंडीशन पे छोड़ा इसलिए छोड़ा था कि गुल्लीवर एक बहुत बड़ा आदमी है तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम इसको छोड़ दें और ये मुश्किल टाइम में हमारी मदद करेगा हम इससे हेल्प ले सकें रिल्रेसल टोल्ड मी दैट लिली पुटियंस वार डिवाइडेड इन टू टू पार्टीस कॉल्ड हाई हील्स एंड लो हील्स अकॉर्डिंग टू द हाई और लो हील्स ऑफ देयर शूज विच डिस्टिंग्विश्ड वन पार्टी फ्रॉम द अदर डिस्टिंग्विश्ड मीन्स टू मेक द डिफ्रेंस रिलरेसल ने मेरे को बताया कि लिली पुटियंस दो पार्टीज में डिवाइड हुए हैं एक पार्टी हाई हील है दूसरी पार्टी का नाम लो हील है तो उनकी पहचान कैसे होती है एक पार्टी हाई हील्स वाले शूज पहनती है और दूसरी पार्टी लो हील्स वाले शूज पहनती है जो एक पार्टी को दूसरे से अलग करता है दे अपोज ईच अदर बेटरली एंड हेटेड ईच अदर सो मच दैट द मेंबर्स ऑफ वन पार्टी वुड हार्डली ईट ड्रिंक और टॉक विद दो ऑफ द अदर हार्डली मीन्स स्केयसली यानी मुश्किल से तो वो दोनों पार्टीज के लोग एक दूसरे के इतने खिलाफ हो गए हैं एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी के मेंबर के साथ मुश्किल से खाता है पीता है या बात करता है ऑल द हाई हील्स वर मोर न्यूमरस देन द लो हील्स हिज मैजेस्टी द एम्पर वॉज इन फेवर ऑफ द लो हील्स एंड हिम सेल्फ वोर लो हील्स ओनली हालांकि हाई हील्स वाले लोग ज्यादा थे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी लो हील्स के मुकाबले में हिज मेजेस्टी मेजेस्टी किसको रेफर करता है वहां के किंग को द एम्प्रर को वहाँ का जो किंग था एम्प्रियर था वो भी लो हील्स को फेवर करता था और खुद लो हील्स वाले शूज ही पहनता था सो द गवर्नमेंट वॉज इन देयर हैंड्स नाउ रेल हिम सल्फ वॉज अ मेंबर ऑफ द लो हील पार्टी इसलिए गवर्नमेंट अभी लो हील्स वाली पार्टी के हाथ में थी क्योंकि किंग उनको फेवर करता था किंग भी लो हील्स पहनता था रिल रेसल खुद एक लो हील पार्टी का मेंबर था वो भी लो हील शूज पहनता था दे फेय हाउ एवर दैट द यंग प्रिंस वॉज सिंपेथेटिक टू द हाई हील्स एट लीस्ट इट वॉज क्लियर दैट वन ऑफिस हील्स वॉज हायर देन द अदर एंड दैट गेव अ लिंप इन हिज वॉकिंग सम्पैथेटिक मीन्स काइंड यानी हमदर्द तो उनके अंदर डर पैदा हो गया था लो हील्स वालों के अंदर एक डर इसलिए पैदा हो गया क्योंकि जो यंग प्रिंस था वो हाई हील वालों के लिए जो थोड़ा ज्यादा सम्पैथेटिक रहता था थोड़ा हमदर्दी दिखाता था, था उनके लिए और कम से कम ये साफ था कि उसकी एक हील हाई थी दूसरी लो थी और जब वो चलता था वो लंगड़ा के चलता था टू एड टू देयर प्रॉब्लम्स दे नाउ हैड टू फेस अ ग्रेट एक्सटर्नल डेंजर रिलडरेसल ने गुलीवर को बताया कि उनकी कंट्री को एक एक्सटर्नल डेंजर था बहुत बड़ा खतरा था द कंट्री वॉज थ्रेटेंड विद एन इन्वेजन फ्राम ब्लिफेस्को विच रिलरेसल टोल्ड मी वाज द अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूनिवर्स कि उनकी कंट्री को ब्लीफेस्को से हमले का खतरा था जो रिलरेसल ने मेरे को बताया कि ब्लीफेस्को दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा एम्पायर है एज़ फॉर माई रिपोर्ट दैट देर वर अदर रीजन्स इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाई मैन लाइक माई सेल्फ ही हार्डली बिलीव इट अकॉर्डिंग टू देयर साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस लिली पुट एंड ब्लीफेस्को वर द टू ग्रेट रीजन्स ऑफ द यूनिवर्स तो जब मैंने रिलेसर को समझाया कि दुनिया में दूसरे देश भी हैं जहां मेरे जैसे लोग रहते हैं लेकिन उसने मुश्किल से भरोसा किया उनके साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस के मुताबिक दुनिया में दो ही बड़े रीजन्स हैं एक लिलीपुट और दूसरा ब्लीफेस को तीसरा कोई भी नहीं है दिस माइटी पावर्स हैड बीन अंगेज इन अ ब्लडी वॉर फॉर थर्टी सिक्स मोन्स एंगेज मीन्स इंप्लायड मून्स मोन्स मीन्स लिलीपुटियंस यूज अ स्मॉलर टाइम स्केल देन डू अ मून इज ट्वेंटी एट डेज और अबाउट अ ट्वेल्थ पार्ट ऑफ ईयर यानी एक मोर में 28 दिन होते हैं या वो साल का बारहवा हिस्सा होता है यानी yani, एक महीना जो होता था वहां का वो अट्ठाईस दिन का होता था और वो दोनों माइटी पावर्स ताकतवर देश थर्टी सिक्स मोन से खूनी जंग में लगे हुए थे ब्लडी वॉर में अंगेज थे यानी थर्टी सिक्स मोन्स इतने हो गए थर्टी सिक्स सुन के हो गए यानी थ्री ईयर्स से वो जंग में लगे हुए थे जिसमें काफी खून बहा था द वार बिगन अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल नेमली वेदर वन शुड ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड अब उन दोनों के बीच में लड़ाई का कारण क्या था कि एक रिलीजियस प्रिंसिपल था वो क्या रिलीजियस प्रिंसिपल था कि किसी भी आदमी को अंडा बड़ी साइड से तोड़ना चाहिए या छोटी साइड से तोड़ना चाहिए द एनशियट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वॉज टू ब्रेक इट एट द बिगर एंड बट द प्रेजेंट एम्प्रेस ग्रैंड फादर वेन ही वॉज अ बॉय हैपन टू कट वन ऑफ हिज फिंगर्स वेन ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड एनशेंट मीन्स वेरी ओल्ड प्रैक्टिस मीन्स कस्टम जो एंशंट प्रैक्टिस थी यानी पुरानी रीति थी उनकी वहाँ अंडे को बड़ी तरफ से तोड़ा जाता था लेकिन जो प्रेजेंट एम्प्रेस ग्रैंड थे यानी जो अभी हाल में ही जो वहाँ के राजा थे एम्प्रर थे उनके दादा जब छोटे होते थे एक लड़के होते थे उस टाइम वो बड़ी तरफ से अंडे को तोड़ रहे थे बड़ी तरफ से अंडे को तोड़ते टाइम उनकी उंगली कट गई थी सो द एम्प्रर हिज फादर पब्लिश एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एग्स एट द बिगर एंड पब्लिश मीन्स टू मेक पब्लिक प्राइविटिंग मीन्स टू ऑफिशली फॉरविड समथिंग यानी मनाही करना और उस टाइम जिस लड़के की उंगली कटी थी उसके पापा वहाँ एम्प्र थे किंग थे राजा थे और उन्होंने एक ऑर्डर पब्लिश किया और प्राइविट किया मना किया स्ट्रिक्टली कि कोई भी आदमी आज के बाद बड़ी तरफ से एग्स को नहीं ब्रेक करेगा यानी सभी लोग छोटी तरफ से ही स्मॉलर साइड से ही एग को ब्रेक करेंगे देर वॉज बेटर अपोजिशन टू द न्यू लॉ एंड देर वर फ्रीक्वेंट रेबेलियंस ऑन अकाउंट ऑफ इट वन एम्पर लॉस्ट हिज लाइफ एंड एनदर हिज क्रॉन इन दिस रेबेलियंस रेबेलियन मीन्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रूल्स यानी बगावत करना कंट्री के कानून को मानने से इनकार कर देना और नए ला की बिटर अपोजिशन होने लगी वहाँ ज़्यादातर लोग इसके खिलाफ हो गए और अक्सर वहाँ रेबीलियंस होने लगी बगावत होने लगी इस नए कानून को लेके। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ एक राजा की जिंदगी चली गई और दूसरे की कुर्सी चली गई ये इतनी ख़तरनाक रेबीलियंस हो गई थी मैनी हंड्रेड बुक्स वर पब्लिश अबाउट द क्वेश्चन बट पीपल वर प्रोहिबिटेड फ्राम रीडिंग द बुक्स ऑफ द बिगर इंडियंस कई सौ किताबें भी इसके ऊपर पब्लिश की गई थी इस क्वेश्चन के ऊपर लेकिन लोगों को बड़े एंड वाली बुक्स पढ़ने से मना कर दिया गया था यानी जिन बुक्स के ऊपर लिखा था कि बड़े एंड से अंडे को ब्रेक करना है वो बुक्स जो थी लोगों को पढ़ने से मना कर दिया गया था एट लीस्ट अलेवन थाउजेंड पीपल सफर्ड डेथ एट वेरियस टाइम्स बिकॉज दे प्रेफर्ड डेथ टू डिसऑनर डिसऑनर मीन्स इंसल्ट तो वहाँ कम से कम ग्यारह हजार लोगों की मौत हो गई अलग अलग टाइम्स में जब वहाँ झगड़े हुए और वो लोग डेथ को डिसऑनर मानते थे इंसल्ट समझते थे इसलिए मैनी रेबल्स अस्केप्ड टू ब्लिफस्को द एम्प्रर ऑफ ब्लिफस्को गिव दैम हिज सम्पेथी एंड इनक्रेजमेंट दस इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ लिलीपुट इंकरेजमेंट मीन्स द एक्ट ऑफ गिविंग होप और सपोर्ट टू समन बहुत से रेबल्स जो लिलीपुट के नए कानून को नहीं मानते थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था वो बच के ब्लीफेस्को की तरफ चले गए और ब्लीफेस्को के एम्प्रर ने उनको अपनी हमदर्दी दिखाई और इनक्रेजमेंट किया उनको उकसाया और लिलीपुट के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर किया दखलंदाजी दी ही फ्रीक्वेंटली चार्ज द लिली पुटियन एम्प्रर विथ काजिंग अ डिविजन इन रिलीजन बाई इंकरेजिंग पीपल टू डिस ओबे अ बेसिक टीचिंग ऑफ देयर एंशियंट रिलीजन फ्रीकवेंटली मीन्स ऑफन यानी अक्सर चार्ज मीन्स ब्लैम ब्लीफेस्को के किंग ने अक्सर लिली पुटियन के एम्पर के ऊपर इल्जाम लगाया और यह कहा कि उसने समाज में रिलीजन के नाम पर बंटवारा कर दिया है और लोगों को एंशंट रिलीजन की जो बेसिक टीचिंग है उसको डिसोबे करने के लिए इनक्रेज किया है उकसाया है कि पुरानी टीचिंग को मानने से इनकार करो पुरानी टीचिंग क्या थी विच इज़ गिवन इन द फिफ्टी फोर्थ चैप्टर ऑफ देर होली बुक आल बिलीवर्स शेल ब्रेक देर एग एट द कन्वीनियंट एंड और एग को लेके उनकी होली बुक के फिफ्टी फोर्थ चैप्टर में ये लिखा हुआ था कि कोई भी वहाँ के जो बिलीवर है वो एग को उसी साइड से ब्रेक करे जहाँ से उसको कन्वीनियंट लगे यहाँ से ईजी लगे यानी जहाँ से ईजी लगे उसी साइड से एग को ब्रेक करना चाहिए बट रेलड्रसल थाट दैट हिज चार्ज वाज बेसलेस फॉर विच द कन्वीनियंट एंड वाज अ क्वेश्चन फॉर ईच मैन टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियस कॉन्शियस मीन्स सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग लेकिन रेलरसल ने यह सोचा उसका चार्ज बेसलेस है बेबुनियाद है कन्वीनियंट एंड कौन सा है यानी अंडे को किस तरफ से तोड़ना चाहिए यह हर आदमी के लिए क्वेश्चन है और जहां से उसका जमीर माने जहां से उसका मन करे उसको एग को उसी साइड से ब्रेक करना चाहिए द टू इंपायर्स वर एंगेज इन अ वॉर ओवर दिस क्वेश्चन एंड देर वर फ्रीक्वेंट बैटल्स जस्ट नाउ द मैन ऑफ ब्लिफेस्को वर इंटेंडिंग टू इन्वेड लिली पुट बैटल्स मीन्स वार्स यानी लड़ाइया जंग है दोनों एम्पायर्स इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सी लड़ाइया भी लड़ चुके थे लड़ाइयाँ भी हो चुकी थी और अक्सर वार्स होती रहती थी लेकिन अब लिफेस्को के लोग जो थे उनका यह इरादा था कि लिली पुट के ऊपर अटैक किया जाए हमला किया जाए द स्कॉट्स सेंट आउट बाई लिली पुट है फ्लीट वॉज गेटिंग रेडी टू स्टार्ट इन दिस सिचुएशन द एम्प्रांटेड माई हेल्प इन डिफेंडिंग लिली पुट अगेंस्ट द इनवेडर्स स्कॉट मीन अ पर्सन स्पेशली अज्जर यानी एक सिपाही फ्लीट मीन्स यूनिट ऑफ नेवल शिप्स यानी जो नेवी होती है कंट्री की जो समुन्द्री फौज होती है उसकी जो यूनिट होती है उसको फ्लीट कहा जाता है लिली पुटिन के स्कॉट्स जो ब्लिफेस्को में जासूसी कर रहे थे उन्होंने ये रिपोर्ट की कि उनका फ्लीट हमला करने के लिए तैयार है और ऐसी में एम्प्रर मेरी मदद चाहता है यानी गुल्लीवार की मदद चाहता है कि गुल्लीवार जो हमलावर हैं इन्वेडर्स हैं उनके खिलाफ हो जाए और लिली पुटियन की मदद करे उनकी कंट्री को डिफेंड करने के लिए उनकी कंट्री को बचाने के लिए आई अवॉइडेड एंट्रिंग इन टू अ डिस्कशन ऑफ देयर पार्टी क्वेश्चन आर रिलीजियस प्रिंसिपल्स विद रेल I told him that as a foreigner, I had no right to interfere in them. Avoided means to keep away. Foreigner means a person from another country. अदर कहते हैं कि मैंने रेल रेसल को बताया कि जो तुम्हारा रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं या जो पार्टी क्वेश्चन हैं ऐसी डिस्कशन से मैं बचना चाहता हूँ मैं इसमें इंटर नहीं होना चाहता ये तुम दोनों का मसला है तुम आपस में सुलझा लो मुझे साइड पे रहने दो और मैंने ये भी बताया कि मैं एक फॉर्नर हूँ बाहर से आया हूँ और मेरे पास ऐसा कोई राइट right नहीं है कि मैं कोई इंटरफेयर करूँ बट आई आस्ट हिम टू टेल द एम्प्रर दैट आई वॉज हिज लॉयल सोल्जर रेडी टू डिफेंड हिज ऑनर एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री इन केस देयर वॉज एन इन्वेजन लेकिन साथ में मैंने उसको ये भी कहा कि तुम अपने एम्प्रर को अपने किंग को ये बताओ कि मैं आपका एक लॉयल सोल्जर हूँ वफ़ादार सोल्जर हूँ और तुम्हारी इज्जत को यानी ऑनर को और तुम्हारे देश के ऑनर को यानी तुम्हारी इज्जत को और लिली पुट की इज्जत को बचाने के लिए मैं तैयार हूँ अगर हमला होता है तो मैं पूरी ताकत के साथ डिफेंड करूँगा अब ना हम आगे नेक्स्ट पार्ट टू में पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या हुआ थैंक्स फॉर वॉचिंग